नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष में शुक्र को धन, वैभव, कला, कामवासना, ऐश्वर्य आदि का कारक माना गया है। ये 15 दिसंबर को शनि ग्रह की राशि मकर में प्रवेश कर रहा है, जो 8 जनवरी तक इसमें रहेगा। शुक्र एक शुभ ग्रह है, लेकिन इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर शुभाशुभ रूप में पड़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं शुक्र के गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। मेष, किसी भी तरह की सरकारी सर्विस में आवेदन करना चाह रहे हैं तो अच्छा अवसर है। विदेशी व्यक्ति और विदेशी कंपनियों से भी लाभ मिलेगा। वृष, कामयाबी के नए अवसर तो उपलब्ध होंगे ही, साथ में भाग्य वृद्धि के भी द्वार खुलेंगे। विदेश यात्रा हेतु वीजा आदि आवेदन करना चाह रहे हो तो संयोग अच्छा है। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और कार्य बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। मिथुन, कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने से बचें और व्यर्थ के विवादों में ना उलझें। यहां पर शुक्र प्रतापी योग भी बनाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके मान सम्मान की वृद्धि भी होगी। कर्क, विलासिता संबंधी वस्तुओं की पूर्ति तो होगी ही, साथ ही मकान और वाहन का क्रय भी करना चाह रहे हो तो अवसर अच्छा है। व्यापारिक वर्ग के लिए ये परिवर्तन अति अनुकूल रहेगा। सिंह, आपके अपने ही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, इसलिए विवादों से बचते रहें और कोर्ट कचहरी के मामले बाहर ही निपटा लें तो बेहतर रहेगा। कन्या, शुक्र का गोचर कार्य व्यापार की दृष्टि से बेहतर परिणाम वाला सिद्ध होगा। नव दंपत्ति के लिए संतान संबंधी चिंता तो दूर होगी, साथ ही प्राप्ति अथवा प्रादुर्भाव का भी योग बना रहेगा। विदेश यात्रा से संबंधित संकल्प पूर्ण होंगे। तुला, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी भी महंगी वस्तु अथवा हीरे जवाहरात का क्रय विक्रय करना चाह रहे हो तो परिस्थिति अनुकूल है। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वृश्चिक, अपनी ऊर्जा शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए कार्य में लगे रहेंगे तो किसी बड़ी कामयाबी से आपकी प्रतिष्ठा को वृद्धि होगी। अत्यधिक यात्रा और अपव्यय के योग बन रहे हैं, सावधान रहें, अन्यथा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। धनु, आपको लेन देन में डूबा पैसा भी वापस मिल सकता है। लाभ के एक से अधिक साधन बनेंगे, लेकिन आपके द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिसके कारण आपके अपने ही लोग विरोध के लिए आगे आ सकते हैं। मकर, काफी दिनों से प्रतीक्षित पड़े हुए कार्यों का निपटारा होगा। केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित कोई भी कार्य होगा तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। महिला वर्ग के लिए ये परिवर्तन और भी शुभ फलदायी सिद्ध होगा। कुंभ, विलासिता संबंध वस्तुओं और यात्राओं पर अत्यधिक व्यय होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी भी तरह का चुनाव आदि भी लड़ना चाह रहे हो तो उसमें भी सफलता के योग बनेंगे। मीन, आपके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है, इसलिए सजग रहें। कार्यक्षेत्र में भी षड्यंत्र का शिकार होने से बचें। शासन सत्ता का भरपूर सहयोग मिलेगा, फिर भी उच्चाधिकारियों से भी मेलजोल बनाकर रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।